हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष शेखर है और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फीफा फूज। सो हम लाइव फीड की अपडेट लेके एक बार फिर से आपके सामने आ चुके हैं और इस वक्त लाइव फीड में हमने देखा एमसी स्टैन और शिव ठाकरे को कुछ किसी कंटेस्टेंट के बारे में कुछ डिस्कस करते हुए। जी हाँ, सो एमसी स्टैन और शिव ठाकरे डिस्कस कर रहे थे सुम्बुल के बारे में। सुम्बुल की अगर आप जर्नी देखें कुछ टाइम से, तो उनकी लाइफ में काफ़ी उनके गेम में हर्डल्स आए हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव आया है उनकी यू नो जर्नी में, चाहे वो उनके पापा की कॉल हो, चाहे उनका आना हो, चाहे फमान का आना हो, फिर टीना और शालीन का सुम्बुल को टारगेट करना हो, सुम्बुल का कुछ ना बोलना, हर चीज़ पे रो देना और यू नो कोई खुद का गेम ना होना, ये सब काफ़ी सवाल इर्द गिर्द घूम रहे थे सुम्बुल के गेम को लेके। बहुत लोग का कहना था कि सुम्बुल जो है अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, सुम्बुल अपना पक्ष नहीं रख पाती हैं, सुम्बुल काफ़ी चुप चुप रहती हैं, सुम्बुल जब सही गलत पे बोलने का वक्त आता है तो सुम्बुल नहीं बोलती हैं, उल्टा सुम्बुल रो देती हैं। बहुत सारी बातें लोगों ने कही हैं और जब उनके पापा की जो कॉल आई थी उस पर भी लोगों ने सुम्बुल को काफ़ी सुनाया कि काफ़ी अनफेयर गेम हुआ है क्योंकि सुम्बुल को फेवर किया गया है, सुम्बुल को एक प्रिविलेज दी गई है जिसमें यू नो सुम्बुल को फोन कॉल पे बात करने का मौका दिया, अपने पापा को मिलने का मौका दिया गया और जो कि बाकी कंटेस्टेंट को नहीं दिया गया। सुम्बुल के पापा ने भी काफ़ी कुछ टीना और शालीन को बोला जिसके बाद टीना की मॉम का इन्वॉल्वमेंट हुआ, शालीन के मॉम डैड का इन्वॉल्वमेंट हुआ और वो काफ़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई, काफ़ी आउटरेज हुआ उसको लेके। तो शालीन और शिव घर में बैठ के यही डिस्कस कर रहे होते हैं और वो इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जो सुम्बुल है वो काफ़ी जेन्युइन पर्सनालिटी है, काफ़ी जेन्युइन है और अगर वो खेलेंगी अच्छे से अपना गेम तो डेफिनेटली वो अपना गेम विन कर सकती हैं क्योंकि उनके इर्द गिर्द काफ़ी कुछ होता है जिसमें वो थोड़ा यू नो छोटी हैं, वो लोग कहते हैं वो बच्ची हैं जो कि वो बच्ची नहीं है, शी इज़ एन अडल्ट एंड शी नो हाउ टू प्ले हर गेम, बट उन पे जब अटैक होता है तो वो रिस्पॉन्स सही से नहीं कर पाती, काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। उसको लेके भी लोगों ने बात की है घर में कि यू नो कि अब जो टाइम है वो सुम्बुल का टाइम है, उनको अब अपना पक्ष रखना चाहिए, चाहे घर में उनको कोई कुछ भी बोले उनको बोलना चाहिए। तो सुम्बुल और एमसी स्टैंड के बारे में, एमसी स्टैंड और शिव उनके बारे में उनको जेन्युइन बुलाते हैं और सुम्बुल जो है आज पूरा डिनर जो है सुम्बुल ने बनाया है अकेले सबके लिए। तो सुम्बुल ने एक ये भी अपना यू नो साइड दिखा दिया कि सुम्बुल सबके लिए केयर करती हैं, उन्होंने अकेले सबके लिए खाना बनाया बिना किसी शिकायत के। शालीन और अर्चना बैठ के डिस्कस कर रहे होते कि उन्हें लगता है एमसी स्टैन सौंदर्य और सुम्बुल में से कोई एक जाने वाला है। उन लोग को लगता है कि एमसी स्टैन का शायद फैन फॉलोइंग थोड़ा ज्यादा है तो वो शायद नहीं जाएंगी, सुम्बुल का भी थोड़ा सेम है लेकिन उन्हें लगता है कि इन तीनों में से कोई एक ना कोई एक जा सकता है। वो लोग चाहते हैं कि सौंदर्य जाए पहले क्योंकि सौंदर्य का गेम थोड़ा वीक लोगों को लगा, बट सौंदर्य ने लास्ट कुछ वीक्स अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, अपने लिए बोलना शुरू किया है, उनका गेम धीरे धीरे जेन्युइन लगने लगा है, वो सबकी केयर भी करती हैं और वो जो केयर है वो काफ़ी जेन्युइन दिखती है। तो आपको क्या लगता है कौन आउट होने वाला है और आपको क्या लगता है कि सुम्बुल के बारे में कि वो जेन्युइन है और क्या उनको अब अपना गेम अप्रेस करना चाहिए? और बाकी सारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम वापस आएंगे और अपडेट्स लेके। थैंक यू सो मच।